तरंग 159 मो घणु रह्या हरि गढ़ने पछी गया वड़ताल गाम जन्माष्टमी दिन ऊपरे सुंदर श्री घन श्याम कर्यो उत्सव मोटो घणो त्या तेड़ाव्या सर्वे मराण करी रसोईयू चालती जम्या पोते भोजन थाळ जमाड़ा सर्वे संतने फरी पंगत मा पांच वार करी लीला त्या अति घणी तेनो कहता न आवे पार तेह गाम ना भक्त जे बापू जी आदि अपार राजी करे हरि ने बहु तेनी सेवा करी अंगीकार पछी त्यांथी चाल्या घन श्याम साथे लईने मुक्त तमाम मार्ग माही लीला बहु करता गामो गाम प्रभु है ते फरता देता अभय दान अपार पधार्या गढ़पुर मोजार सत संगी सहुने तेड़ाव्या संतो पण मणी बहु आव्या कर्यो दीपोत्सव तिया भारी दर्शन करवा आव्या नर नारी तेने वातो करी महाराजे सर्वे जीवना कल्याण काजे सुनो हरि भक्त नर नारी राख जो आसमयो संभारी अमे जेवी करी होय लीला ते संभार जो थईने भेड़ा वड़ी मन मा कर जो मनन चित माही कर जो चिंतवन आज आमे मुक्त संगे लावी आप्यू छे सुख तमने आवी हूँ तो सर्वोपरि भगवान आव्यो छू देवा अभय दान सर्वनो नियंता हूँ छू एक बीजा अगणित मारा सेवक अनादि मुक्त सहु भेड़ा रहे दास भावे मारू सुख लहे मारा साधर्म्य पणा ने पामी सुख लहे रहे नहीं खामी अति स्नेह वड़े लीन थई भोगवे सुख साकार रही वड़ी परम एकांतिक बहु रह्या छे मारी सेवा मा सहु भोगवे दिव्य मूर्ति नु सुख सदा रहीने मारी सन्मुख एवा मुक्त सहित हूँ आव्यो फेरो तमारो सुफल फाव्यो माटे आज्ञा ते अमारी पाळी वासना नाख जो सर्वे टाळी अक्षर कोटी मा पण न लोभाजो मारा गुण निरंतर गाजो ब्रह्म कोटी मा क्याई न बंधावू माया ना कार्य मान लोभावू एक मारी मूर्ति तणु तान राखवू एठेठ नू निशान
એવી રીતે ત્યાં ઘણીક વાત પોતે પ્રભુએ કરી સાક્ષાત સાંભળી સર્વે આનંદ પામ્યા શિષ શ્રી હરિ ચરણે નામ્યા ધન્ય ધન્ય દીનના દયાળ પ્રભુ લીધી અમારી સંભાળ વળી સહાય કરજો સુખકારી અંત સમયે લેજો ઉગારી અમે છઈએ નાથજી તમારા ગુના બક્ષજો પ્રભુ અમારા એમ હરિજને હરિતણી કરી સ્તુતિ દિન થઈ ઘણી તેવી પ્રાર્થના સુણી મોરારી રાજી થયા શ્યામ સુખકારી પછી ત્યાંથી ચાલ્યા સુખ કંદ સાથે લઈ મુનિ જન વૃંદ માર્ગમાં સૌને દર્શન આલે રથે બેસે વળી હેઠા ચાલે બહુ લીલા કરે રંગ લહેરી ફરતા ચાલે સંત રહે ઘેરી કોઈ રસ્તા માહી હાર લાવે અતિ હે તે હરીને પહેરાવે ભક્ત લાવ્યા ચંદન ઉતારી કરી શ્રી હરિની પૂજા ભારી તેહ ચંદન લઈ સુખ ધામ ચર્ચું સંત સહુને તમામ વળી હરિ ભક્ત હતા સાથે તેને ચર્ચું હરિએ હાથે પછી મળ્યા પરસ્પર બહુને આપ્યું સુખ ત્યાં નાથે સહુને વળો ટાવા આવેલ જે જન તેને મળીને કહે મોહન હવે તમે પાછા વળી જાઓ હે તેથી ગુણ અમારા ગાઓ આજ્ઞા પાળજો અમારી પ્રીતે બાઈ ભાઈ સહુ રૂડી રીતે સાધુ પાર્ષદને બ્રહ્મચારી વળી સાંખ્ય યોગી નર નારી અયોધ્યાવાસી સર્વે જન પાળજો પ્રીતે મારા વચન અમે હૈયે ન હૈયે પાસ તોય વચન ન લોપજો દાસ ધર્મ નિયમ માં દ્રઢ રહેજો મારી મૂર્તિ ઉર ધારી લેજો સર્વ ક્રિયામાં રહી સાવધાન સંભાળજો મને તે નિદાન એમ અભ્યાસ રાખજો તમે રાજી છઈએ તમ પર અમે એવી શિખામણ આપી નાથ વળી મળ્યા સૌને ભરી બાથ બેઠા રથ ઉપર પોતે હરી અમૃત દ્રષ્ટિ અતિશય કરી સૌને કહ્યું હવે ઊભા રહેજો વચન મારું ઉર ધારી લેજો ત્યારે ઊભા રહ્યા સહુ જન માની મહાપ્રભુનું વચન અતિ હૈયા મહરખ ન માય નાથ વિયોગથી દુઃખ થાય પછી હાંક્યો રથ હરિતણો અતિ ઉતાવળો જાણો ઘણો જેમ ઉડ્યો હોય પન ગારી એમ ચાલ્યો રથ વેગે ભારી જન સર્વે સામુ જોઈ રહ્યા જોત જોતામાં દૂર હરી ગયા પાછા આવ્યા સહુ નર નારી મૂર્તિ મહારાજની ઉર ધારી
करे लीला चरित्र नु गान, संभारे प्रभु ने एक तान, थाय भेड़ा मड़ी सहु जारे, घड़ी घड़ी ना सुख संभारे, रूडू बोलवू हरिनु संभारी, धारे विचारे सहु नर नारी, अलौकिक लीला याद करे, मूर्ति महाराज नी उर धरे, एम करता रह्या निज गेहा, प्रभु पहुंचा जे तलपुर एहा, उतर्या महोल पर महाराज, लई भेड़ो मुक्त नो समाज, आव्या दर्शने बहु हरी जन, जानी पधार्या छे भगवान, पछी गंगा बाईए नीज घेर, कर्यो थाड बहु रूड़ी पैर, जई जम्या छे हे ते दयाल, वड़ी जमाड़ा संत मराल, पछी मुखवास लई मोरारी, करी वड़ी हेठे सभा सारी, आवे दर्शने भक्त अपार, एह गाम ना सहु नर नार, आपे सौने आनंद अल बेल, वातो करे छबी लोजी छेल, सर्वे वासना मात्र ने तजी, हे ते सौले जो मुझने भजी, मड़ो लाभ अलौकिक भारी, राख जो मने उर माधारी, कोई प्रकारे नहीं रहे खामी, बैसो परम पद पामी, हमें करवा अत्यंतिक कल्याण, आव्या आही करी बहुताण, माटे थई खबड़दार खरा, खोट राखशो नहीं कहूं जरा, समो मड़ो ते साचवी लेजो, नियम धर्म मा कुशल रहजो, एवी रीते त्या घणीक वात, श्री हरि ए करी साक्षात, पछी सेवा सहु जन तणी, करी अंगीकार हे ते घणी, चंदन हार कोई लई आवे, कोई तो वस्त्र भारे पहरावे, कोई सामग्री भेट अपार, प्रीते लावे अधिक नर नार, देह तणी सेवा सुख धाम, करे अंगीकार घन श्याम, जम्या गाम माही बहु थाळ, घरो घर जई दीन दयाळ, बहु लीला करी लट काळे, आप्यू सुख ते छेल छो गाळे, पछी त्या थकी उधने गाम, पधार्या पोते श्री घन श्याम, तिया सूरत ना भक्त जन, करवा आव्या हरी दर्शन, बर्फी दूध पेंडा लाव्या सार, माट लियो भरी निर्धार, मुकी भेट श्री महाराज पासे, करी पूजा भेड़ा मड़ी दासे, तेनी सेवा अंगीकार करी, त्याथी धर्म पूर गया हरी, पूर नाराजाए ते सांभळी, कर्यू सामयू हरिनु वळी, पोते अस्वारी सहित आव्या, वाजा विविध प्रकार ना लाव्या, हरी गाजते वाजते फर्या, वालो दरबार माही उतर्या,
कर्यू सन्मान त्या बहु सारू मळ्या लोक ते लाख हजारू पोताना जे एकांतिक भक्त राज साज मा नहीं आसक्त तेनु कुशल कुंवर बाई नाम हरी माही छे हेत तमाम अति भक्तिवान जानी जन दीधा महाराजे तेने दर्शन वड़ी निज स्वरूप निवात करी हरिये घणी विख्यात सांभळी बाई पाम्या आनंद धन्य धन्य स्वामी सहजानंद कृपा करी अतिशय कृपाळ दीधा दर्शन दीन दयाळ मारा भाग्य तणो नहीं पार मड़ा प्रगट प्राण आधार हेम करी बाईये बहु स्तुति तेनी सुनी प्रभुए विनंती कर्यो वसंत तणो समयो ते तो मुख थी न जाय कह्यो थयो उत्सव अलौकिक भारी बहु मड़ा जानो नर नारी आव्या सूरत ना सत संगी लाव्या मुगट अति उमंगी तेह धराव्यो हरि ने माथे कर्या दर्शन सौ मळी साथे निरखी नाथ ने लोभाणा नेण थई छे समाधि सुख देण अति तेजो माया महाराज तेजो माया मुक्त नो समाज छाई रह्यू छे तेज अपार मध्य शोभे छे धर्म कुमार जोई जन थया छे थकित चोट्या हरी मा सहु ना चित्त एक नजरे जोई रह्या प्रीते स्थिर थया मटका रही ते मूर्ति माथी छूटे तेज घणु जोई लोभे मन जन तणु एम जणायू छे घणी वार पछी देखाणा मनुष्याकार तेज सर्वे समावीने श्याम बैठा सभा माही सुख धाम एवो जोई अति चमत्कार सहु राजी थया नर नार धन्य धन्य स्वामी सहजानंद आप्यो निज जन ने आनंद एवी रीते धर्म पूरे आवी करी लीला अति मन भावी। इति श्री पुरुषोत्तम लीलामृत सुख सागर मध्ये श्री हरि जेतलपुर मा अपार लीला करी धर्मपुर पधार्या ए नामे एक सोने ओगण साठमो तरंग।